गाइज, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ निबम बैक अगेन विद द न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग भी बहुत स्पेशल होने वाला है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फटाफट चलते हैं आगरा से दिल्ली। आगरा से दिल्ली की जर्नी अब कंटिन्यू करते हैं और अपने प्यारे से होटल करते हैं बाय बाय। और फर्स्टली चलते हैं ब्रेकफास्ट करने और मैं एक छोटा सा आपको होटल टूर दे दूँगा, तो चलते हैं। सो गाइज, यहाँ है हमारा बुफे ब्रेकफास्ट। फाइनली गाइज, मैं अंदर आ चुका हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। तो सबसे पहले आपको ये तीन तरह के जूस मिल जाएंगे। अब यहाँ आपको कॉर्नफ्लेक्स मिल जाएगा, यहाँ आपको पैनकेक्स और जो भी सारे केक्स हैं वो मिल जाएंगे यहाँ पे, और ये ब्रेड टोस्ट, और ये फ्रूट्स हैं सारे यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के, ये कर्ड, पिकल, टमाटो केचप, और ये पराठा पूड़ी, और इसमें है सब्जी जो कि काफ़ी टेस्टी थी, मैंने तो खा ली। इसमें भी सांभर है, और इसमें था पोहा जो कि काफ़ी टेस्टी था गाइस, और ये आपका वड़ा। तो गाइस, आगे भी बहुत कुछ है, और इस साइड पूरा आ जाता है नॉन वेज का, जहाँ आपको एग्स और चिकन मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ बनवाना हो तो आप यहाँ से बनवा सकते हो, लाइक डोसा, ऑमलेट, पास्ता, तो वो भी इंक्लूडेड है ब्रेकफास्ट में, और यहाँ टी कॉफ़ी। सो गाइज, इस साइड बन रहा है मेरा प्लेन डोसा और उधर आमलेट बन रहा है, शेफ आमलेट बना रहे हैं उधर। तो गाइज, यहाँ काफ़ी तरह के हॉल्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, अगर हॉल ओपन होगा तो, नहीं होगा तो बाहर से दिखा लूँगा मैं। तो चलते हैं फटाफट, और यहाँ से आप शॉपिंग वॉपिंग भी कर सकते हो। यहाँ से कोई इंडियन तो करता नहीं है, सारे फॉरेनर्स करते हैं आके, क्योंकि इंडियन क्यों ही करेगा, सारी चीज़ें यही सेम रेट पर, इससे कम रेट पर बाहर मिल जाती हैं। ये है इनका पूरा शॉपिंग एरिया, अभी तो ओपन ही हुआ है। और ये है अकबर हॉल, यहाँ पे मेहंदी हुई थी, तो यहीं पे हुई थी मेहंदी। तो अकबर हॉल में ये आपको एक बाहर का एरिया मिल जाता है और एक अंदर का मिल जाता है, अंदर का मैं दिखा देता हूँ। अंदर का कुछ ऐसा है गाइस, इधर भी एक गार्डन है और उस तरफ भी एक गार्डन है जहाँ हुई थी हल्दी और इधर हुई थी शादी, तो मैं दिखाता हूँ आपको। सो पूरा हॉल का रास्ता है, यहाँ हुई थी दी की शादी, और आगे चलते हैं, अंदर से भी दिखा देता हूँ आपको। अंदर तो भी लाइट ऑफ है, एक आपको ये पूरा मिल जाता है। तो गाइस, इसमें हुआ था पूरा शादी का फंक्शन और संगीत, और रिंग सेरेमनी भी बाहर हुई थी। तो रिंग सेरेमनी में ही जिनका डांस परफॉर्मेंस था वो यहाँ पे हुआ था। तो ये बाहर का कुछ ऐसा है, इतना बड़ा गार्डन, ये फाउंटेन्स चलते हैं, मस्त व्यू आता है। और ये अभी तो कुछ ऐसा है, और यहीं है स्विमिंग पूल भी और स्पा भी, तो वो अभी ओपन नहीं हुआ होगा, बट हुआ होगा तो मैं दिखा देता हूँ आपको। गाइस, ये है पूरा होटल का व्यू, ये देखो। और इस साइड पूरी ड्रिंक्स व्रिंक्स चल रही थी, और अंदर भी यही सेम सेक्शन था ड्रिंक्स का। अब आगे चलते हैं। तो गाइस, ये वाला जो हॉल है ये पूरा, इसमें हुई थी हल्दी, और वो पीछे प्लेग्राउंड भी है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। सो ये है कुछ प्लेग्राउंड एरिया, अच्छा अगर कोई भी, वाओ यार ये देखो पैरेट। तो ये है पूरा प्लेग्राउंड एरिया, और यहाँ बिल्कुल यार शांति है। पता नहीं उधर कल मैंने देखा था पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी, बाकी एक बार मैं शांत रहता हूँ, बर्ड्स की आवाज़ सुनो। तो गाइज, ये है पूरा पूल एरिया, ये इनका स्विमिंग पूल है, एंट्री यहाँ से, ये देखो। तो काफ़ी सही है, बिल्कुल क्लीन वाटर है, यू कैन सी दैट। और ठंड में भी ये चालू है, अगर आपको ठंड में हिम्मत हो तो आके नहा सकते हो यहाँ पे, बट कोई नहीं आता, आई नो दैट, तभी खाली पड़ा है। और बाकी
स्पा भी है वहाँ पे, तो स्पा दिखा देता हूँ मैं आपको। सो ये है जेंट्स का स्पा और वो है लेडीज़ का स्पा, दोनों के अलग अलग हैं एकदम सीधा। मैं सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ एक आपको। सो गाइस अब मैं आपको यहाँ का गेमिंग एरिया दिखाता हूँ जो कि इंडोर गेमिंग एरिया है, तो पता नहीं ओपन हुआ है कि नहीं। सो यहाँ सलो भी है, तो ये सब आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी यहाँ पे, पढ़ लेना। और यहाँ से है इंडोर गेमिंग का रास्ता, आई थिंक अभी तो क्लोज है। हाँ अभी ये पूरा क्लोज है, बट आपको ये गेम्स मिल जाएंगे यहाँ पे। और आगे चलते हैं। तो ये है पूरा गेमिंग एरिया। तो गाइज यहाँ आपको टीटी मिल जाएगा और ये रहा पूल सेक्शन, तो पूल भी खेल सकते हो आप यहाँ पे, और एयर हॉकी भी है, तो ये रहा एयर हॉकी, तो ये भी खेल सकते हो। तो ये आपको रूम के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। गाइस ये है यहाँ किचन, इनसी हेल्थ क्लब, और आगे पूरा जिम ही है, तो मैंने अंदर से आपको दिखा दिया। तो गाइस रूम मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, बट एक बार आपको इसी वीडियो में मैं इंक्लूड भी कर दूंगा रूम। और काफ़ी मस्त रूम है, वहाँ से ताजमहल का व्यू भी था यार। एक तो ये मेरे बाल ना इतने मैसी हो रहे हैं, शैम्पू करने के बाद तो संभलते ही नहीं है ये, तो इतना ही था। और भी कुछ अंदर होंगे, तो मैंने यहाँ के आपको तीनों हॉल दिखा दिए, तीनों हॉल का नाम अलग अलग है, एक वो वाला था, एक ये वाला, और ये इसी के साथ है ये दोनों। और बाकी जो एक आपको अंदर दिखाया था अकबर हॉल, वो भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, तो वो डिपेंड करता है आपके क्या क्या फंक्शंस हैं, उसी हिसाब से मिलता है। Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen. और ये आपको ह्यूज पार्किंग स्पेस मिल जाता है, और यहाँ भी एक गार्डन टाइप है, और बाकी एरिया एंट्रेंस, तो चलते हैं अंदर फटाफट। तो यहाँ से एंट्रेंस, तो चलते हैं अंदर। जब आप यहाँ एंटर होगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक भी मिलेगी, जो कि चेक इन के टाइम मिलती है। कुछ इनका रिसेप्शन एरिया। So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm. So guys, ये पूरा बाहर का व्यू है लॉबी एरिया से। और ये है यहाँ का कुछ लॉबी एरिया, तो काफ़ी सही बना रखा है देखो तुम्हारा भाई। बस बाल बाल ही सेट नहीं हो पाते कभी, बहुत लोगों के कमेंट्स भी आते हैं बाल कटवा ले, लेकिन भाई बिना बाल के लुक नहीं आता। तो ये है कुछ, अब मैं यहाँ से अगर फॉग क्लियर हो गया होगा तो ताजमहल का व्यू दिखाता हूँ आपको। सो गाइस अभी देखो कितना फॉग है, ये देखो वहाँ दिखता है ताजमहल, पर कितना फॉगी है कि दिखेगा ही नहीं अभी। बाकी मेरे पास वीडियो है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगा वो वीडियो। देखो हल्का हल्का दिख भी रहा हो, नहीं दिख रहा यार। ये देखो कितनी ठंडी थी, पूरी शीशे में वो जमी हुई है, यहाँ भी थी बट अभी मैंने व्यू लेने के लिए यहाँ थोड़ा क्लियर करा, बट नहीं आ रहा व्यू। बाकी गाइज वो जो आप सामने देख रहे हो वो रेस्टोरेंट है, उस बिल्डिंग के ऊपर भी है, और जिस बिल्डिंग पे अभी मैं खड़ा हूँ उसके ऊपर भी है। और सामने का तो व्यू काफ़ी प्यारा है, बट फॉग की वजह से नहीं दिख पा रहा।
ऐसा आपको यहाँ रूम में ही मिल जाएगा यात्रा ट्रैवल सेंटर। अगर आपको कुछ भी बुक करना हो तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके बुक कर सकते हो। और गाइस में ये भी लिखा हुआ है नो ड्रोन जोन, क्योंकि ताजमहल बिल्कुल पास में ही है, तो यहाँ ड्रोन मत उड़ाना वरना पुलिस वाले लैंड करा के ले लेंगे आपका ड्रोन। सो गाइस ये रहा फाइनली अपना रूम, एंटर होते हैं, की गार्ड लगाते हैं और आपको रूम टूर देते हैं। तो एंट्रेंस में ही आते ही आपको ये स्लीपर शू शाइन आयरन और आपको एक लॉक भी मिल जाता है, और बाकी ये आपको आयरन बोर्ड हैंगर्स, तो सबकी फैसिलिटी है। और ये कुछ अपना रूम है प्यारा सा, और इसके बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको। और ये सब स्नैक्स स्नैक्स हैं, ये कुछ बाहर का व्यू है, सही है। और लेट्स चेक आउट द वॉशरूम, तो ये कुछ मेरा लुक है। बहुत टायर्ड हो गया मैं अभी तो। सो ये है अपना वॉशरूम, इसकी मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये आपका बाथिंग एरिया। सो गाइस आप सोच सकते हो इसके अंदर क्या है, मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर टीवी है, टिंटर है। सो ये रहा टीवी अपना, टीवी देखना होगा तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ से। और ये है कॉफ़ी मेकर, तो चाय कॉफ़ी बनानी हो तो। एंड इसमें है अपना फ्रिज, ये रहा। अभी तो ठंडा फ्रिज तो यूज ही नहीं हो रहा होगा बिल्कुल। और उस रूम से ताजमहल दिख रहा है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, बट मे भी इस रूम से भी दिख जाए थोड़ा बहुत, नहीं इससे नहीं दिखेगा, उसी रूम से दिख रहा था मस्त। तो यही है अपना कुछ रूम, बाकी आपको पूरी बाथरूम शावर कैप मिल जाएगी, रेजर वेजर मिल जाएगा, कोम, डेंटल किट एंड यही सब है। और ये आपको ड्रायर भी मिल जाएगा। सो ये कुछ होटल के बाहर का व्यू है, और वो देखो ताजमहल थोड़ा सा दिख रहा है लेकिन दिख रहा है। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने चेकआउट कर दिया, अभी की कार्ड देने गए हैं भैया तो, और हमारी यहाँ से कैब आ रही है, कैब बुक करवा दिया, ट्रेन से नहीं आ रही क्योंकि टिकट ही नहीं मिला, तो कैब बुक करवा दी, कैब आ रही है अभी, कैब से चलते हैं। फाइनली गाइस हमारी कार आ चुकी है, तो चलते हैं फटाफट अंदर। और ये नई वाली वैगन आ रही है, तो इसी में हमारी जर्नी होने वाली है, तो चलते हैं अंदर और बाय करते हैं होटल को। Living life every day, late at night, not okay, all I want and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't. So finally guys, हम लोग होटल से चेकआउट करके निकल चुके हैं नोएडा के लिए। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है, कितना टोल लगता है, सारा बता दूँ मैं। स्टे ट्यून्ड। फाइनली गाइस हम लोग चढ़ चुके हैं एक्सप्रेस वे पर, यहाँ से सीधा उतरेंगे ग्रेटर नोएडा तक का ये एक्सप्रेस वे। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign.
I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I. So finally, guys, I'm low. सेवर का जो टोल था वो हमने पार कर लिया था 12:30 के करीब। अभी हमें 1 घंटा और लगेगा। अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे। 1 घंटा और लगेगा यहाँ से घर तक पहुँचने में। टोटल हम लोग 3 घंटे में पहुँच जाएंगे अराउंड। और जो टोल लगा है वो हमारा लगा है 600 के अराउंड, 600 रुपीज़। तो चलते हैं फटाफट CNG भरवा के घर, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ, टायर्ड हो चुका हूँ। सोऊँगा भाई घर जाते ही। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for it.